म्हणजे आता विषय असा झालेला आहे, बाबरी कोणी पाडली आम्हाला माहित नाही, बाबरी आम्ही पाडलेली नाहीये. शिवसेना प्रमुखांनी सांगितले जर ते माझे शिवसैनिक असतील तर त्यांचा मला अभिमान आहे, नुसता अभिमान नाही तर गर्व आहे. अध्यक्ष महोदय, आज हाऊस के अंदर राजकीय भाषण होने लगा, क्या भी राजकीय भाषण हुआ? मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जो है ना, ये सरकार शिवसेना के अकेले की नहीं है, ये सरकार शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की मिली हुई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी हुई सरकार है. और ये यहाँ पर राजकीय भाषण, अध्यक्ष महोदय हम भूल चुके थे, हम अपने जख्मों को फिर हमको हरा मत करने दीजिए. जब गोगोई जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखना क्रिमिनल एक्टिविटी, गोगोई जी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त करना क्रिमिनल एक्टिविटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरे मुख्यमंत्री जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हैं, वो मुख्यमंत्री यहां पर ये कहें कि मुझे अभिमान है, मुझे गर्व है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये हमारे जख्मों को हरा मत कीजिए. ये सरकार में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं है, कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं है, ये सरकार सेकुलर है, सेकुलर सरकार बनाई गई है. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चीजें न लाई जाएं. और जो वादा किया गया था कांग्रेस एनसीपी के जमाने में, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दे दिया है वो तुरंत मिल जाए, और CA NRC पे हाउस के अंदर एक रेजुलेशन लाया जाए जिस तरह से 13 स्टेट में लाया गया है. इवन बीजेपी के राज में बिहार के अंदर भी ये रेजुलेशन आया है. मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, ये रेजुलेशन लाया जाए. चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे तुमसे ज्यादा आता है, इसलिए तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने दिया.